फ्रेंड्स, वेलकम टू आबिदास किचन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सभी व्यूअर्स हैप्पी और हेल्दी होंगे। फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आज मैं आपके लिए मीठे की रेसिपी नहीं लाई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं परती नमकीन। जी हाँ, आपने बहुत बार नमक पारे बनाए होंगे, शक्कर पारे बनाए होंगे, यहाँ तक कि आपने बहुत तरह की अलग अलग मठरियाँ भी बनाई होंगी, लेकिन ये एक ऐसी मठरी है जो परत वाली बनती है और बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, आप इसे घर में डालडा घी की जगह देसी घी में बनाइए, ज़्यादा घी नहीं लगता है, लेकिन बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। बिलीव इट गाय, जब आपके घर पे लोग दिवाली में आपको दिवाली विश करने आएंगे तो सामने आप चाय के साथ इसे सर्व कीजिए, उन लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे घर में बनाया, वो भी मिनटों में। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। सबसे पहले डो लगाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ मैदा लिया है 2 कप, और ये काली मिर्ची और जीरा जिसे दरदरा कूट के ले लिया है। साथ में ली है मैंने कसूरी मेथी, कलौंजी और नमक। तो एक परात ले लेंगे जिसमें हम ये डाल देंगे मैदा, और साथ में हम ये सारे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ और यहाँ मैंने ये लिया है सूजी, तो ये करीब 2 टेबलस्पून सूजी लिया है। तो मठरियों को खस्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से सारी चीजों को हमने कर लेना है मिक्स, और उसके बाद हमने इसमें ये 2 टेबलस्पून देसी घी मैंने लिया है, जिसे गर्म करके ले लेना है, आपने ठंडा नहीं डालना है। और इस गर्म घी को आराम से हमने इसमें अच्छे से कोने कोने तक मिक्स करना है। ये देखिए, हाथों में इस तरह से लेके हमें एक एक उस तक कोट कर देना है। तो ये देखिए, थोड़ी देर में ही ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये इस तरह से कुछ बंधने लगेगा, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्का सा इसमें मोयन लगाया है हमने। और अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगा लेंगे। अगर नाप में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी लिया है, तो पहले हम 1/2 कप पानी से ही ये आटा जो है इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं आटा गूंद रही हूँ नॉर्मली, जैसे आप गूंदते हैं, और ये सारा मैंने 1/2 कप पानी इसमें डाल दिया है। और अब हमारी मेहनत शुरू होगी, तो हमें इसे इस तरह प्लेटफॉर्म पे रखना है और इसे अच्छे से नीट करना है 5 मिनट। जी हाँ, घड़ी से देख के अच्छे से 5 मिनट आप इसे नीट कीजिएगा, और आप देखेंगे कि आपका आटा जो है ना, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, तो आटा तो तैयार है। अब हमने इसमें डाल देना है ये 1 टेबलस्पून देसी घी, और फिर से इसे नीट करना है, लेकिन अब की बार हमें सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए नीट करना है, ताकि जो ये घी हमने डाला है ना, इसमें अच्छे से समा जाए और हमारी जो मठरी है ना, वो बहुत ही अच्छे से खस्ता बन के तैयार होती है। देखिए, इस तरह से इसे हाथों से अच्छे से नीट करना है आपने। तो 1 मिनट बाद ये हमारा आटा रेडी है, और लास्ट में मैंने इसमें लगा दिया है तेल, और अब हम इसको रेस्ट पर रख देंगे। तो 1/2 घंटे के लिए हमें इसे रेस्ट पे रखना है। और अब हम एक स्लरी तैयार कर ली, जिसके लिए कटोरी में मैंने यहाँ पे 3 चम्मच देसी घी लिया है, और ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर या अरारोट आप कुछ भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है, ये देखिए इस तरह से, और हमें इसे फ्रिज में रख देना है 10 मिनट के लिए। और ये देखिए, जब हमारा आटा इस तरह से तैयार हो जाएगा ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल नरम हो गया है। ये नहीं कि बहुत सख्त है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा नरम है। तो ये लोइयां मैंने निकाली है, इसमें से टोटल 6 लोइयां हमने निकाली है। 2 बैच बन के तैयार होंगे, एक बैच में 3 लोई लगनी है, मतलब 3 रोटी लगेंगी, और दूसरे में 3, तो इस तरह से 6 निकाली है मैंने। तो इसे बेल लेंगे हम, ये देखिए इस तरह से। तो ये हो गई 1 और ये दूसरी और ये है तीसरी। तो जो ये तीसरी वाली रोटी है, ये लास्ट वाली रोटी है, मैंने बोला ही आपसे, जितना आपसे लंबा बेल सकता है, मतलब जितना पतला आप इसे निकाल सकते हैं, ज्यादा पतला भी नहीं करना है कि हाथ दिखे उतना नहीं। तो हमने ये पतला सा निकाल लिया है, और अब हम इसके ऊपर में क्या करेंगे ना, ये जो हमने स्लरी बनाई थी घी की, ये देख सकते हैं आप, फ्रिज में रखने से जम गया है बहुत ही अच्छे से। तो इसे हमें इस पे अच्छे से फैला देना है, ब्रश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथों का इस्तेमाल करेंगे। और अब आप देखिए, ये आटा जो हमारा हमने इतने अच्छे से नीट किया ना, उसका ये रिजल्ट है कि हम इसे खींच के जितनी भी बड़ी हमारी नीचे वाली रोटी है ना, उतना बड़ा हम इसे फैला सकते हैं, क्योंकि मैदे की तो तासीर होती है, वो श्रिंक होता ही होता है, आप उसको कितना भी अच्छे से बेल लीजिए। अच्छा, फिर से हम इसे लगा देंगे घी को, और बहुत अच्छे से कोने कोने में लगाना है हमने, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, और इसे सेंटर में रखना है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि सेंटर में रखने के बाद ये जितनी छोटी हुई है, मतलब जितनी श्रिंक हुई है, उतनी आप इसको फैला लीजिएगा, और इसके ऊपर एक बार फिर से हमने ये घी का मिक्सचर लगा लेना है बहुत अच्छे से।
और उसके बाद हमने इसको करना है रोल। तो ये देखिए इस तरह से इसका हमने एक टाइट रोल बना के तैयार कर लेना है। ये देखिए सिंपल, इसमें कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं है। और साइड से किनारे हमें इसके निकाल देने हैं। ये मटरी में मतलब वैसे तो अच्छी नहीं लगेंगे, लेकिन ये मैं फिर भी तल लेती हूँ। अब इसके बाद हमने आधा आधा इंच पर कट लगा के सारी लोइयां अलग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो कोना दिख रहा है ना आपको, ये कॉर्नर ये जो निकला, इसको खींच के आपने यहाँ पे प्रेस करके और उसके बाद लोई को इस तरह से हाथ से प्रेस करना है। तो अब ये हमारी जो लोई है ना तैयार हो गई। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, जहाँ से हमने ज्वाइंट लगाया, इसको हमने नीचे रखना है। खैर वो मैं आगे दोबारा बता दूंगी। यहाँ पे मैंने सारी लोइयां तैयार कर ली हैं। तो जब हम बेलेंगे ना इन लोइयों को, ये देखिए इस तरह से, तो वो पार्ट हमने नीचे रखना है और उसके बाद बेलना शुरू करना है। ये देखिए, और क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ लोइयां बेल के रख लूंगी, तो ये देखिए ये वाला पार्ट है ऊपर और ये वाला पार्ट है नीचे। आप ध्यान रखिए, बार बार मैं क्यों बता रही हूँ वो मैं आपको आगे बताती हूँ क्या है इसका रीजन मेरा बार बार बोलने का। तो इस तरह से बेल लेंगे, जितनी पतली हो बेल सकते हैं, बेलन का इस्तेमाल कीजिए, हाथ का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ये जो साइड से कॉर्नर निकले थे ना, ये मैंने तेल गरम हुआ कि नहीं हुआ, कितना गरम हुआ उसको चेक करने के लिए इनको मैंने यूज किया। और देखिए कितनी बढ़िया खस्ता बन के तैयार हुए हैं ये भी। खैर अब हम इसमें अपनी जो मटरी है उसको डालेंगे, और वही जो पार्ट जहां हमने उसकी नॉट को सिक्योर किया था, उस पार्ट को हमने रखना है नीचे, जिससे जो हमारी मटरी है ना वो गोल नहीं होगी। गोल से मेरा मतलब है, जब मटरी का वो पार्ट जहाँ पे नॉट नहीं लगी होती है ना, उसको ऊपर रखते तो वो वजन से ना मटरी नीचे की तरफ को ना कटोरी जैसी शेप में आ जाती है। अभी आपको भी लग रहा होगा कि ये कुछ तो नीचे दबी है, पर ऐसा नहीं है। जब ये दोनों तरफ से सिकेगी ना, तब ये मटरी इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको गड़बड़ कर दिया और उस नॉट वाले पार्ट को ऊपर रखा, तो मटरी बिल्कुल गोल हो जाएगी। खैर यहाँ पे हमने मटरियों को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और ये देखिए मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट हमें लगे हैं फ्राई करते हुए इनको। और ये देखिए कितनी बढ़िया से क्रिस्पी खस्ता, और क्या बेहतरीन कलर आया, और खुशबू तो पूछिए मत, बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो इनको हमने निकाल लेना है और इसी तरह से हमने सारी मटरियों को फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए मैंने आपसे कहा था आप बेलन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो हमारा आटा जो इतना सॉफ्ट है ना कि आप इसे हाथ से भी अच्छे से फैला सकते हैं। ये देखिए हाथ से भी बहुत बढ़िया फैल जाती हैं। और ये देखिए ये लास्ट बैच है हमारा। तो सारी मटरियां मैंने इसी तरह से तल के तैयार कर ली हैं। चलिए इन्हें सर्व करते हैं। तो लीजिए गाइस, दिवाली स्पेशल हमारी बहुत ही बेहतरीन सी मटरी बनके तैयार है। और आपने देखा मिनटों में बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल बाजार जैसी है, एकदम खस्ता एकदम करारी है। एक बार आप इसे बनाएंगे ना तो आप इसके फैन हो जाने वाले हैं। देखिए आवाज में नहीं सुना पाई क्योंकि मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, मेरे यहाँ पे थोड़ा नॉइस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से वो टूटी आप लोग एनालाइज कर सकते हैं कि मटरी बहुत ही खस्ता बनके तैयार हुई है। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई रेसिपी से, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।